हेलो एवरीवन, और बताइए क्या है हालचाल। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ और मेरे इतने दिनों बाद वीडियोस लाने का कारण मेरे इन चार आँखों से ही आपको पता चल गया होगा। तो बातों को ज़्यादा ना बढ़ाकर सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। आज हम मुल्तानी मिट्टी को अपने बालों पर यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा कि मुल्तानी मिट्टी तो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। नहीं, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, मुल्तानी मिट्टी हमारे बालों के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको बालों पर कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, इसके फ़ायदे क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, आइए जानते हैं। आज की रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट तो मुल्तानी मिट्टी है, लेकिन सिर्फ मुल्तानी मिट्टी को तो हम अपने बालों पर नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के एप्लीकेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा ड्राई बन जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। और अगर ऐसा बन जाए तो उसे बालों से रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम मुल्तानी मिट्टी के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ताकि इस रेमेडी का जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस हो सके। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है कर्ट, यानी कि दही। लेकिन मैंने अपने इन चार आँखों से घर पर बहुत ढूंढा बट मुझे दही नहीं मिला, तो मुझे स्टोर पर जाना पड़ा दही लाने के लिए। वैसे तो गाय के दूध से जो दही घर पर बनते हैं ना वो सबसे बेस्ट रहता है, बट मुझे वो नहीं मिलता है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं स्टोर वाले जो दही मिलते हैं उसी से काम चला लेती हूँ। बट अगर आपके घर पर दही बनते हैं तो आप उसका यूज़ कीजिएगा, वो सबसे बेस्ट है। अब एक बोल में हम डाल देंगे लगभग एक कप जितना दही। फिर इस दही में डाल देंगे 5 to 6 टेबलस्पून जितना मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी पाउडर को ज़्यादा ऐड नहीं करना है, एक कप दही के साथ आपको 5 to 6 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर ही ऐड करना है, नहीं तो ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 लेमन जूस और लास्ट में डाल देंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल। अगर आप इस रेमेडी को ज़्यादा अमाउंट में बनाना चाहते हैं तो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया है, जितना अमाउंट मैंने बताया ना उसका अमाउंट डबल कर सकते हैं। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप इंग्रेडिएंट को डबल कर सकते हैं, और अगर बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, स्मॉल हेयर है आपके, तो इंग्रेडिएंट्स को आप हाफ अमाउंट करके भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने व्हिस्कर का यूज़ किया है, क्योंकि व्हिस्कर की मदद से अगर मिक्स करेंगे ना तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर चम्मच से मिक्स करने जाएंगे तो मिक्सचर ना तो अच्छे से होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो व्हिस्कर की मदद से इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये एक क्रीमी टेक्स्चर में ना बन जाए। तो कुछ देर तक मिक्स करने के बाद इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं कैसा बना है, ये एकदम क्रीमी टेक्स्चर में बन गया है, स्मूद है इसका टेक्स्चर, एकदम मन कर रहा है कि इसे खा ही जाओ, बट इसे खा नहीं सकते ना, इसे लगाना पड़ेगा। तो ये जैसा बना है बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो ये हमारा मुल्तानी मिट्टी हेयर मास्क बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब इसको हम अपने बालों पर अप्लाई कर लेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले बालों को कोम करके अच्छे से सुलझा लेना है ताकि बालों पर कोई टैंगल्स ना रहे। और पिछले कुछ दिनों से तबीयत सही ना रहने की वजह से मैं अपने बालों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रख पाई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जितनी बार मैं कोम कर रही हूँ थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो बालों की हालत इतना ज़्यादा ख़राब था ना, मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो मैं इस मास्क को बनाकर अप्लाई किया। एंड अप्लाई करने के बाद सच में इसके रिजल्ट से मैं शॉक हो गई, वो भी आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। पहले अप्लाई कैसे करना है ये देख लीजिए। इस मास्क को अगर हम दूसरे किसी हेयर मास्क की तरह अप्लाई करने जाएंगे ना तो ये अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मास्क बहुत ज़्यादा थिक है। तो अगर आप इसको अपने बालों के ऊपर से सिर्फ ऐसे करके लगाने की कोशिश करेंगे ना तो ये सिर्फ बालों के ऊपरी पोर्शन पर ही लगेगा, निचले हिस्से पर बिल्कुल भी एप्लीकेशन इसका नहीं होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले बीच में से, मतलब सिर के बीच में से बालों का एक छोटा सा सेक्शन पकड़ लीजिए और उसे इस मास्क से कम्प्लीटली कवर कर लें, और बालों का जो निचला हिस्सा है मतलब एकदम एंड पॉइंट है वहाँ पर अच्छे से मास्क को लगाइएगा। और स्कैल्प पर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बालों के एकदम स्कैल्प से लेकर शुरू करके पूरा लेंथ तक एक एक करके सेक्शन पकड़िए और उसे मास्क से कवर करते जाए। कवर करने के बाद बालों को फोल्ड करके स्कैल्प के बीच में ही रख दें। ये मास्क बहुत ज़्यादा थिक है जिसकी वजह से ये इधर उधर नहीं हिलेगा, बाल एक जगह सेट रहेगा। और इसी तरह से हर एक बालों का छोटा छोटा सेक्शन पकड़ना है और सेम उसी तरह से मास्क को अप्लाई करना है और फोल्ड करके स्कैल्प के बीच में रख देना है। जिस तरह से हेना यूज़ करते हैं ना, हेना लगाते वक्त जिस तरह से करते हैं बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है। फ्रंट हेयर पर इस मास्क को मैंने अप्लाई कर लिया है।
अब जो बैक सेक्शन है उसको भी मैं इस मास्क से कवर कर लूँगी, सेम उसी तरह से कवर करना है। और पूरे हेयर पर जब मास्क अप्लाई करना कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा जगह खाली है यहाँ पर लगाना ज़रूरी है, तो उस जगह पर थोड़ा सा मास्क लेकर कवर करते जाए। ठीक है, पूरे हेयर पर इस मास्क को अच्छे से कवर कर लेना है, थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए। इस मास्क को पूरे बालों पर लगा लेने के बाद लास्ट में क्या करना है, एक शावर कैप लेकर सिर को कवर कर लेना है। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आप किसी पॉलीथीन के बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे स्कैल्प बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, आपको पता ही होगा यहाँ से हीट निकलते हैं, तो अगर हम किसी भी चीज़ से अपने बालों को कवर करके रखेंगे तो जो हीट होगा ना वो रिलीज होगा बट वो बाहर नहीं जा पाएगा, वो हमारे स्कैल्प के अराउंड ही रहेगा, जिससे हमारे बालों को हीट मिलेगा और हमारे जो बाल है जिसे हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक धागे जैसा है लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है, ये एक पाइप के शेप का है, मतलब इसके अंदर खाली जगह रहता है, जैसा एक पाइप होता है, स्ट्रॉ होता है, आपको पता ही होगा, तो सेम उसी तरह से हमारे बाल होते हैं। तो अगर हम अपने बालों को हीट पहुंचाएंगे ना तो बालों का जो वो पाइप की तरह जो मुंह है ना वो ओपन हो जाएगा और जो हेयर मास्क हमने अप्लाई किया है ना वो बालों के अंदर पेनिट्रेट होगा, जिससे बालों पर एक शाइन आएगा, बाल सॉफ्ट स्मूथ लगने लगेंगे। और आपने देखा ही होगा कि पार्लर में भी अगर हम कुछ ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं बालों पर तो वहाँ पर भी हीट देते हैं। अब यहाँ पर हम हीट कैसे देंगे? इस तरह से। इसके साथ साथ और एक फ़ायदा है, इससे क्या होगा, मुल्तानी मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होगा और जब आप अपने बालों को धोएंगे ना तब भी आपको परेशानी नहीं होगी। हेयर मास्क तो बना लिया, अप्लाई भी कर लिया, लेकिन इस मास्क में जो जो इंग्रेडिएंट है वो क्या काम करेगा हमारे बालों पर, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस स्टेप को पूरी तरह से स्किप कर देते हैं कि क्या ज़रूरत है जानने की, जो काम करेगा करेगा लेकिन क्या करेगा ये भी तो जानना है ना। इसमें जो दही हमने ऐड किया है, दही प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से बालों का झड़ना, टूटना, बाल रफ फ्रिजी हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब बालों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेंगे तो बाल मजबूत बनेंगे, बालों की जड़ें मजबूत होगी और साथ ही साथ बाल दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, बालों की बनावट में भी सुधार आएगा। इसके साथ साथ दही में कई सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद रहता है जो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जो बालों की ड्राइनेस फ्रिजनेस को दूर करता है, उसे मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जिससे बाल सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की बनने लगते हैं। और साथ साथ दही में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड एक माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, यानी कि जब हम दही को अपने स्कैल्प पर लगाते हैं ना तो ये एक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प क्लीन रहता है, मॉइस्चराइज रहता है, जिसके वजह से डैंड्रफ होने के चांसेस कम रहते हैं। मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्सेस ऑयल को एब्सॉर्ब कर लेता है, ये बात आपको पता ही होगा। तो जब हमारे स्कैल्प पसीने के कारण या फिर सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण ऑयली हो जाते हैं तो उस एक्सेस ऑयल को मुल्तानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्कैल्प क्लीन रहता है। और जब स्कैल्प क्लीन रहता है तो डैंड्रफ भी नहीं रहता है, क्योंकि ऑयली स्कैल्प पर भी डैंड्रफ होते हैं, आपको पता ही है। तो दही क्या करता है? मॉइस्चराइज करता है, मतलब ड्राई स्कैल्प पर जो डैंड्रफ होने के चांसेस है वो नहीं रहता है। और मुल्तानी मिट्टी क्या करता है? एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि ऑयली स्कैल्प के कारण जो डैंड्रफ होता है उसके होने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी स्कैल्प पर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से हेयर ग्रोथ फास्ट होने लगते हैं और हेयर डेंसिटी भी साथ साथ इंक्रीज होते हैं। और लेमन जूस का क्या काम है? लेमन जूस में विटामिन सी होते हैं जो डैंड्रफ को दूर करने में बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ लेमन जूस स्कैल्प के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, स्कैल्प को क्लीन बनाता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और नारियल तेल के फायदे किसको नहीं पता? नारियल के तेल में होता है मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज जो बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ड्राई हेयर और फ्रिजी हेयर के प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, बाल सॉफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनी बनते हैं और क्या होता है, स्प्लिटेंस होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि स्प्लिटेंस का मेन कारण है ड्राई हेयर। जब बाल ड्राई नहीं रहेंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे, तो फिर स्प्लिटेंस कहाँ से होगा। और नारियल के तेल डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। अरे बातों में तो मैंने आपको यही नहीं बताया कि इस हेयर मास्क को कितनी देर तक रखना है। इस हेयर मास्क को आप 30-40 मिनट्स तक अपने बालों पर रख सकते हैं और 30-40 मिनट्स बाद अपने बालों को शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लें। तो मैं अपने बालों को वॉश करके आ गई हूँ और ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब देख सकते हैं मेरे बाल कैसे हैं अभी। जब मैं इस हेयर मास्क को लगा रही थी तब मेरे बालों का कंडीशन आपने देखा ही होगा और अब आप देख सकते हैं बाल कैसे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी अपने बाल मिल सकते हैं, बस आपको क्या करना है, इस हेयर मास्क को हफ्ते में एक या दो दिन करके अप्लाई करना है।
देखिए फर्स्ट यूज से ही आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इस हेयर मास्क का यूज़ हर कोई कर सकता है, इसमें हमने कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसमें जो लेमन जूस हमने यूज़ किया है, अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेमन जूस से आपको ईचिंग होता है, इरिटेशन होते हैं, तो फिर आप लेमन जूस को स्किप कर दें, बाकी के इंग्रेडिएंट्स से इस हेयर मास्क को बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका कोई एज लिमिट नहीं है, टीनेजर से लेकर कोई भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट्स है, एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका रिजल्ट्स आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यही तक है, आप इस हेयर मास्क को ट्राई कीजिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरा कोई रेमेडी सोचती हूँ।